जब मिट रहे थे नामो निशान, तो कैसे बसा लाजो के प्यार का जहां। कहां जाऊं, कैसे ढूंढूं मायरा को, क्या अल्लाह मायरा की हिफाजत करना। हेलो गॉड, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद फिर डायल करें। हल्क, अल्लाह मियां की तो सारी लाइनें व्यस्त हैं, अब जो करेंगे वो नीचे वाले ही करेंगे। यू जस्ट हैव टू आस्क, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। यू जस्ट हैव टू आस्क। तुम बस मायरा से दूर रहना, उसे मैं कहीं से भी ढूंढ कर ले आऊंगा। आप जरूरत से ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है हल्क। पहले माहिरा को इस घर से और खुद से दूर किया, और अब जब वो दूर जा चुकी है तो उसे वापस लेने जा रहे हैं। इन मिक्स सिग्नल के बीच वो बेचारी कंफ्यूज हो जाएगी हल्क। पर ये तो आपकी आदत है, आफरीन के साथ भी तो आपने ऐसे ही किया था। आसमान के चांद और मिट्टी का नाम एक साथ एक सांस में नहीं लिया करते अमात। कहां माहिरा और कहां आफरीन? आफरीन वो जो डबल टाइमिंग बेवफा थी वो। अपने अपने नजरिए की बात है हल्क। माहिरा की नजरों में आप बेवफा हैं। बेवफा कितना क्लीशे वर्ड है ना, पर आपके जैसे क्लीशे इंसान पे एकदम सूट कर रहा है। मैंने मोहिरा से कोई बेवफाई नहीं की। उस लड़की को तुमने मेरे रूम में भेजा था और हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। मैंने मौका तो दिया था, अब आपने मौका मिस कर दिया तो मेरी क्या गलती। अमर हल्क, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं आपकी हेल्प कर रहा था माहिरा को इस घर से दूर करने के लिए। बस मैंने आपकी हेल्प कर दी। वैसे आपने माहिरा को दूर क्यों भेज दिया? उसको ना आपको घर पे ही रखना चाहिए था। उसका ख्याल रखने के लिए मैं हूं ना। मैं तुम्हें जानता हूं अमात। अगर मेरा साथ माहिरा को बर्बाद कर सकता है, तुम्हारा सिर्फ साया ही किसी भी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। आपकी प्रॉब्लम क्या है हल्क? आप खुद कुछ करते नहीं, मुझे कुछ करने नहीं देते। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, लड़कियां मेरी कंपनी बहुत एंजॉय करती हैं। किसी भी लड़की से पूछ लीजिए, रिपोर्ट अच्छी मिलेगी। माहिरा के बारे में एक लफ्ज भी तुमने अपनी जुबान से निकाला तो तुम्हें बहुत अफसोस होगा कि तुमने ये गलती की ही क्यों। एक मामूली सी नौकरानी के लिए आपने अपने भाई पे हाथ उठाया। माहिरा सिर्फ नौकर नहीं है, वो मेरे लिए उससे कहीं ज्यादा है। ज्यादा का क्या मतलब? आपका और माहिरा का क्या रिश्ता है? बोलिए हल्क, क्या रिश्ता है आपका और माहिरा का? प्यार का रिश्ता है मेरा और माहिरा का। प्यार करता हूं मैं माहिरा से, और अगर गलती से भी तुमने अपनी गलत नजर माहिरा पर डाली तो मैं तुम्हें इतने जख्म दूंगा कि जिंदगी भर उनका दर्द नहीं जाएगा। जख्म तो मैं आपको दूंगा हल्क। आज मैं आपसे एक वादा करता हूं, मैं आपकी माहिरा को आपके सामने अपना बना के रखूंगा। माहिरा के मेरे लिए कोई मायने नहीं है, वो तो खूबसूरत भी नहीं। मुझे जिस लड़की से प्यार होगा वो इतनी खूबसूरत होगी जिसको देख के आदमी के पैर के नीचे से उसकी जमीन खिसक जाए। बट सिर्फ आपसे नफरत के लिए मैं माहिरा को अपना बना के रखूंगा।
खान बेगम देखिए प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे ये सब नहीं करवाना है प्लीज। और अभी आप लोग क्या करने वाले हैं खान बेगम देखिए प्लीज, मुझे शिमला में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मुझे मुझे प्लीज जाने दीजिए, मुझे ये सब नहीं करवाना है। गॉर्जियस, अल्लाह का शुक्र है तुम वापस आ गई माहिरा। तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ी इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, पर क्या करूँ, अगर मैं तुम्हें ये सब करने के लिए कहती तो तुम कभी भी तैयार नहीं होती। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम घर छोड़कर जा रही थी, और ये भी कि तुम घर छोड़कर क्यों जा रही थी। मायरा तुम बहुत खूबसूरत हो, पर दुनिया दिल नहीं देखती। दुनिया के लिए खूबसूरत चेहरा होना बहुत जरूरी है, और मैं तुम्हें हार कर जाते हुए नहीं देख सकती थी। मेरी ख्वाहिश थी कि जो दुनिया तुम्हारे दिल को नहीं देख सकी वो तुम्हारा खूबसूरत चेहरा जरूर देखे। है ना खूबसूरत? हीरे को अगर तराशा ना जाए तो लोग उसे पत्थर ही समझते, और इस घर में भी वही हो रहा था। मैंने और खान बेगम ने देखा है, इस घर के लोग माहिरा के साथ बहुत बुरी तरह से पेश आ रहे थे, इसीलिए मैंने और खान बेगम ने यह फैसला किया इस हीरे को तराशना चाहिए। लतीफ, खाला, यहाँ तक कि माहिरा की अपनी बहनें सायरा और बानो भी, सब ने बहुत मजाक उड़ाया। इस बेचारी का दिल इस कदर टूटा कि ये तो ये घर छोड़कर जा रही थी। फूफी, भले ही सारे लोग माहिरा के साथ रूठ हो, पर मैं कभी माहिरा के साथ रूठ नहीं हुआ। तुमने ऐसा ना किया, लेकिन मैंने आजाद को माहिरा के साथ बहुत बुरा पेश आते हुए देखा है। आज के बाद दोबारा मेरे पास मत आना। तुमने माहिरा के साथ जो कुछ किया है उसके लिए तुम्हें माहिरा से माफी मांगनी होगी, और इज्जत से उसे इस घर में आने के लिए कहना होगा। आप लोग पता नहीं किस खूबसूरती की बात कर रहे हैं, मेरे लिए तो माहिरा हमेशा से खूबसूरत थी। ब्रेसेस और चश्मे के पीछे छुपी नेक मासूम माहिरा खूबसूरत थी। आजाद सर, इंसान तो किसी खिलौने को भी तोड़ने से पहले दो बार सोचता है, लेकिन आपने तो मेरे दिल की जरा सी भी परवाह नहीं की। दुनिया के लिए चांद आज बादलों से बाहर निकला है, और मैंने तो इस चांद को बहुत पहले ही पहचान लिया था। काश कि आपने मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दिया होता, मैं तो आपकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देख रही थी, आपको पसंद करने लगी थी, लेकिन उसके बदले में मुझे सिर्फ बेइज्जती मिली। मैंने इस घर को छोड़ने का फैसला सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से लिया है। मुझे माहिरा से माफी मांगनी चाहिए, पर क्या करूं, माहिरा की नजर में बुरा बनना ही मेरा मुकद्दर है। पत्थर पर भी बार बार चोट की जाए तो वो टूट जाता है, और एक लड़की का दिल तो शीशे की तरह होता है जिसे इस घर में सबने तोड़ा है। आज मैं चाहती हूं कि एक एक करके सब माहिरा से माफी मांगे। लतीफ, खाला, सायरा, बानो, ऑलवेज लतीफ लतीफ, मुझे मेरी ब्यूटी स्लिप से जगा दिया। ओ माय अल्लाह,
ब्यूटी स्लीप तो मैं ले रही थी, अब ब्यूटीफुल ये मायरा हो गई। बिरेश कुमारी के तो रंग ढंग ही बदल गए, अब तो ये बिरेश कुमारी है रही नहीं। हाँ, इसके लिए नया नाम ढूंढना पड़ेगा। मैंने तुम लोगों को यहाँ पर माहिरा को निहारने के लिए नहीं बुलाया, इसे माफी मांगने के लिए बुलाया। माफी? माफी फॉर व्हाट? हर बदसलूकी के लिए जो तुम लोगों ने उस पे की। माफी मांगो। ओके ओके, आई एम सॉरी। हाँ, मेरी भी वो आई एम सॉरी है। आई एम सॉरी। अब तुम लोग जा सकते हो। जाओ। या या। किसी से माफी मांग लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। तुम जानते हो तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मायरा को इज्जत से इस घर में रुकने के लिए कहो। आप चुप क्यों हैं हल्क? माफी मांगने से आपकी जुबान नहीं घिस जाएगी? वैसे भी आप माहिरा को बहुत ज्यादा हर्ट कर चुके हैं। लेट इट बी माहिरा, जिन लोगों की रगों में खून के बदले एरोगेंस दौड़ती है, ऐसे लोगों को ना किसी के दिल की मासूमियत नजर आती है, ना ही किसी के चेहरे की खूबसूरती। इग्नोर हिम, उनके कारण तुम अपना मूड क्यों खराब कर रही हो माहिरा? हल्क तुमसे माफी मांगे या ना मांगे, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। आई एम सॉरी, प्लीज स्टे। तुम जानती हो जब से तुम इस घर में आई हो, मैंने तुम्हें एज अ फ्रेंड हमेशा पसंद किया। अगर तुम ये मेकओवर नहीं भी करती ना, तो भी टाइम आने पे मुझे अपने साइड पे ही पाती। मैं जानता हूं कि हल्क ने तुम्हें बहुत बहुत हर्ट किया है माहिरा, जस्ट इग्नोर हिम, मेरी तरफ देखो। मेरी तरफ देखो माहिरा, मैं हल्क की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं। किसी की माफी नहीं चाहिए और ना ही किसी का बदला हुआ रवैया चाहिए, क्योंकि उस माफी का कोई मतलब नहीं होता जो दिल से ना निकली हुई हो। आज तक मैंने सिर्फ सुना था कि दिल खूबसूरत होना चाहिए, चेहरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं गलत थी, क्योंकि इस पत्थर की दुनिया में वैल्यू है तो सिर्फ चेहरे की, लेकिन इस दुनिया में आपके दिल को कोई नहीं पूछता, कोई नहीं देखता, बस सब आपकी शक्ल देखते हैं। तुम्हारा चेहरा देखकर किसी को रहम आ सकता है, प्यार नहीं। अगर आपकी शक्ल अच्छी नहीं है तो आपका दिल कोई मायने नहीं रखता। शायद इसे कोई फेस वैल्यू कहते होंगे। सारी जिंदगी मैंने हर किसी चीज का जोक बनाया, लेकिन तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी एक जोक बन के रह जाएगी। आज मेरा लुक बदल गया है तो हर किसी के दिल में मेरे लिए इज्जत पैदा हो गई है, लेकिन मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती जब मुझे भीख मांगने पर भी सिर्फ नफरत मिली थी। और मैंने उस नफरत में भी प्यार को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं मिला। अब मुझे समझ में आया कि अगर मेरी शक्ल तब अच्छी होती, मैं दिखने में अच्छी लगती, तो मेरे साथ वैसा सुलूक नहीं किया जाता। अब चाहे मेरी नजरों पर से चश्मा हट गया, लेकिन मेरा देखने का नजरिया अब भी वही है। खान बेगम, मैंने अपनों को गैर होते देखा है,
आपने गैर होने के बावजूद मेरे लिए बहुत कुछ किया। आज आपकी वजह से सबकी नजरों में मेरे लिए इज्जत है। शायद सब अपने किए पे शर्मिंदा हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, मैं यहां नहीं रुक पाऊंगी। मैंने जाने का फैसला कर लिया। लेकिन माहिरा, अब तो सबने तुमसे माफी मांग ली, तो किस्मत की गलती हो तो लोगों के माफी मांगने से क्या होता है खान बेगम? मेरे साथ वही हुआ जो मेरी किस्मत में लिखा था, लेकिन अब मैं किसी को अपनी किस्मत से खेलने नहीं दूंगी। मायरा चली जाएगी तो मेरी खोई हुई ताकत वापस नहीं आएगी, मुझे उसे रोकना होगा। मायरा, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम्हें इस घर को अपनाना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूं। मुझसे निकाह करोगे? प्लीज मैरी मी। मैं अपने दोनों बेटों को बहुत अच्छे से जानती और मैं ये भी जानती कि आजाद मायरा का हाथ थामने के लिए खुद आगे कभी नहीं आए, और अमाद की तो बस चाबी भरने की देर थी। देखा आपने कैसे उसकी नजरें मायरा के चेहरे से हटी नहीं रही थी। देखा तो मैंने कुछ और भी था। क्या? मायरा की नजरें जो आजाद पर से हट ही नहीं रही थी। खान बेगम, नजरों में अगर कोई और हो तो दिल में कोई और आकर बस ही नहीं सकता। तुमने सोचा है कि अगर माहिरा ने आमाद से निकाह करने को इनकार कर दिया तो? इस बात के लिए तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैं आमाद को बहुत अच्छे से जानती हूं। अगर वो कोई बात ठान लेना तो उसे करता है। आसमान के चांद को भी वो अपना बना लेगा। फिर ये तो सिर्फ एक लड़की है। लेकिन कोई मामूली लड़की नहीं। जानती हूं, बहुत अच्छे से जानती हूं, इसलिए तो मैंने ऐसी बिसात बिछाई। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, इस बार जीत और मेरे बीच ज्यादा फासला नहीं है।